क्वेश्चन नंबर 6, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर। ये जो सॉलिड आयरन है इसका जो हाइट है 220 सेंटीमीटर और इसकी जो डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 8 ग्राम मास यूज पाई 3.14। बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है उसमें जैसे एक सॉलिड सिलेंडर दे रखा है तो इस सॉलिड सिलेंडर का वेट नहीं नापती, वो इसी तरीके से उसका वेट नापते हैं, इसका जो है वॉल्यूम निकाल के ये देख लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब का वेट कितना होगा। तो क्या करते हैं, इसका जो है वॉल्यूम निकाल लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है 1 सेंटीमीटर अगर उसका वॉल्यूम है, 1 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है तो उसका वेट 8 ग्राम है। तो क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और इसका वॉल्यूम और फिर उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है वेट इन बड़ी बड़ी जो बहुत बड़ी बड़ी जो गुड्स होती हैं, सामान होती हैं, उनका वेट इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले सिलेंडर की। ये सिलेंडर मैंने फर्स्ट मान लिया और ये सेकेंड मान लिया और फर्स्ट फिगर के लिए रेडियस कितनी है इसकी 8 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी होगी इसकी 60 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, हमने इसे आर वन मान लिया और इसको वो आर वन और एच वन मान लिया क्योंकि दोनों की हाइट और रेडियस अलग अलग है। ये जाएगा 3.14 इंटू आर वन 8 का स्क्वायर इंटू 60 इज इक्वल टू 3.14 इंटू 64 इंटू 60। तो ये हो जाएगा आपका 12057.60 सेंटीमीटर की क्यूब। इसका वॉल्यूम आ गया 12057.60। इसी तरीके से इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे 4 सेकेंड। आर टू बराबर कितना हो गया 24 / 2 12 सेंटीमीटर। ये डायमीटर 24 दी हुई है और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी h2 = 220 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो गया बिल्कुल इसी तरीके से पाई आर टू स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हम कितनी रखेंगे यहां पर 3.14, आर टू कितना है हमारा 12 का स्क्वायर और एच है 220। 3.14 इंटू 144 इज 220 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 99475.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो गया सॉलिड का, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, फर्स्ट का वॉल्यूम कितना हो गया आपका 12057.60 और 99475.2। तो ये हो जाएगा आपका 89 2262.40। नहीं ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये नहीं आएगा, ये आएगा 111532
1.80 सेंटीमीटर की क्यूब। हाँ ये याद, 271.72। अब देखिए ये इसका वॉल्यूम हो गया, तो वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 8 ग्राम हो गया यहां पर। तो वेट ऑफ 1.80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.80 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.4 और 8 16, और ये आ गया आपका 2.6 2 2 0.4 8 9 पॉइंट, इतने ग्राम हो गया। इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये जाएगा 9262 kg, 8 9 2.262 kg, क्योंकि 1 kg में कितना होता है, 1000 ग्राम। दैट इज योर आंसर, प्लीज मेक इट अप। नाउ सॉल्यूशन नंबर 7, क्या दिया है 7 में, ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम and the volume of water left in the cylinder is the radius of cylinder is 60 cm and its height is 180 cm। ये आपका एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी 180 सेंटीमीटर। इसके अंदर एक कोन और हेमिस्फीयर का एक सॉलिड ड्रॉप कर दिया जाता है, तब इसके अंदर कितना पानी बचेगा, यानी कि लेफ्ट आउट हो जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा, या इसके अंदर कितना पानी बचेगा, कितना पानी इसके अंदर बचेगा ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, कोन और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जोड़कर घटा देंगे, तो उतना पानी इस सिलेंडर के अंदर लेफ्ट हो जाएगा। तो फॉर सिलेंडर, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेंडर के लिए, रेडियस कितनी होगी इसकी 60 सेंटीमीटर और हाइट इसकी हो जाएगी 180 सेंटीमीटर, क्योंकि इन तीनों की रेडियस सेम है इसलिए मैंने इसको आर मान लिया, हाइट अलग अलग है वो h1 मान लिया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h1, ये कितना हो जाएगा पाई इंटू 60 का स्क्वायर इंटू 180 सेंटीमीटर की क्यूब। इसको यही लिखा रहने देंगे, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लास्ट में कर लेंगे। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन की हाइट कितनी है 120 और रेडियस 60 सेंटीमीटर, 1/3 पाई आर स्क्वायर h2, इसकी हाइट हमने कितनी मान ली h2, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई इंटू 60 स्क्वायर इंटू h2 होगी आपकी 120, इससे इसे कैंसिल कर दिया, ये हो गया 40। इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये हो जाएगा 60 स्क्वायर इंटू 40 सेंटीमीटर की क्यूब। अब आप आइए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर की क्यूब, 2/3 इंटू पाई आर है आपका 60 की क्यूब। एक काम करते हैं हम यहां पर इसे डिवाइड नहीं करते, इसे हम डिवाइड नहीं करेंगे, इसको यही लिखा रहने दे, इंटू कितना था 120 सेंटीमीटर की क्यूब, हम बाद में कर लेंगे इसे डिवाइड।
तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ कॉन एंड हेमिस्फीयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉन का वॉल्यूम कितना हुआ आपका 1/3 pi into 60 square into 120 plus 2/3 pi into 60 की पावर 3। तो कितना हो जाएगा ये, इससे कैंसिल, ये तो हो गया 40 पाई इंटू 60 स्क्वायर इंटू 40 प्लस 2 इंटू पाई इंटू 60 इंटू 60 स्क्वायर अपॉन 3 3 से इसे काट दिया 2 आ गया, ये हो जाएगा पाई इंटू 60 स्क्वायर इंटू 40 प्लस हो जाएगा 40 पाई इंटू 60 स्क्वायर। देखिए कितना आसान हो गया, ये हो जाएगा 80 पाई इंटू 60 स्क्वायर, देखिए ये प्लस करके इतने सेंटीमीटर की क्यूब आ गया। हमने ना तो पाई की वैल्यू रखी ना ही इनकी मल्टीप्लाई की। अब वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर इन सिलेंडर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो गया हमारा, सिलेंडर का वॉल्यूम है दिस पाई इंटू 60 स्क्वायर इंटू 180 माइनस दिस पाई इंटू 60 स्क्वायर इंटू 80। हमने पाई इंटू 60 स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया 180 माइनस 80 पाई इंटू 60 स्क्वायर इंटू 100। देखिए कितना आसान हो गया, कोई भी कैलकुलेशन की हमें कहीं भी कोई ऐसी खास जरूरत अभी तक नहीं पड़ी है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3.14 3600 into 100। तो इसकी मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1130400 सेंटीमीटर की क्यूब। हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1130400 upon 100 into 100 into 100, क्योंकि क्यूब है तो 3 बार डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 1.1304 meter की क्यूब, दैट इज योर आंसर। प्लीज मेक इट अप। नाउ सॉल्यूशन नंबर 8, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 centimeter लॉन्ग 2 centimeter इज इन डायमीटर, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 centimeter बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ द वाटर इट होल्ड्स, ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 3.45 centimeter cube, चेक वेदर शी इज करेक्ट taking the above as the inside measurement and pi is 3.14। इसका वॉल्यूम, ये स्फीयर है और ये सिलेंडर है, दोनों का वॉल्यूम निकाला जो कि उसने बताया है 3.45। इसका जो वॉल्यूम है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट 3.45 centimeter की क्यूब है। अब हमें ये चेक करना है तो बहुत आसान, रेडियस ऑफ सिलेंडर, अगर हम सिलेंड्रिकल पार्ट की बात करें तो रेडियस कितनी होगी, 2/2 = 1 centimeter और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट इज इक्वल टू 8 centimeter। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 3.14 × 1 × 1 × एच की वैल्यू होगी आपकी 8 3 24, ये हो जाएगा 25.12 centimeter cube। अ 4 स्फीयर
रेडियस कितनी है इसकी, 8.5/2 यानी कि 85/20 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ पाई आर की क्यूब तो कितना हो जाएगा, ये वॉल्यूम ये हो जाएगा 4/3 × 3.14 × 85/20 × 85/20 × 85/20 17 × 3.14 × 17 85 × 85/3 ये लगभग अप्रोक्सीमेट में आपका आंसर आ जाएगा ये 321.39 सेंटीमीटर की क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 25.12 और 321.39 ये हो जाएगा 1 4 और 1 5 ये हो जाएगा आपका 346 सेंटीमीटर की क्यूब। उसने कितना बताया था 345 तो इट इज नहीं, जो स्टूडेंट ने दिया है आंसर तो नॉट करेक्ट, जो स्टूडेंट ने आंसर दिया है वॉल्यूम निकाला है वो करेक्ट नहीं है क्योंकि 345 उसने बताया, एक्चुअली वॉल्यूम इसका है 346.51 सेंटीमीटर की क्यूब। प्लीज मेक इट अप। तो एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट क्वेश्चन था, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दैट व्हाट आई हैव टॉट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वेल। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, अपने पास रखने से ज्ञान कभी नहीं बढ़ता। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसे रीड करेंगे तो उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।